क्या आप लोगों को पता है खाना फ्री और रहना फ्री केदारनाथ धाम में आपको कहाँ मिलेगा? अगर आप परेशान हो रहे हैं ओवर रेट की वजह से, खाना बहुत महंगा मिल रहा है और रहना नहीं मिल पा रहा है, जगह ही नहीं मिल रही है, होटल सारे फुल हो चुके हैं, तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा भाई। पर तब भी बहुत लोगों को आप सहायता कर रहे हैं यहाँ पर। सुबह सुबह एक यूनिक सी गाड़ी भाई केदारनाथ धाम के अंदर मस्त है भाई, केदारनाथ धाम के अंदर सामान वामान लेके जाने के लिए बढ़िया चीज है। और सुबह सुबह मौसम भी काफी खराब हो चुका है भाई, वैसे तो सुबह सुबह काफी सही था, अभी मतलब कुछ चंद घंटों में खराब हो चुका है। मुझे क्या लगता है ना, भगवान जाते जाते कह रहे हैं कि पैकिंग पूरी दिखा दे, मतलब जैसे स्नो पैक्ड हो जाता है ना पूरा केदारनाथ धाम, वैसे पूरी पैकिंग दिखा दे भाई, काफी अच्छा लगे ना, फिर पूरी पैकिंग दिखे जाएंगे। बाय द वे गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी मस्त हूँ, मस्त अपनी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है केदारनाथ धाम में। कल हमने दिवाली बहुत मस्त बनाई, रात के 12 बजे तक मजे से पटाखे वटाखे फोड़े, फिर आके आराम से टेंट में सोए थे भाई, सुबह सुबह उठ चुके हैं। पर एक दुखद घटना हो चुकी है, अभी समझाता हूँ। सामने वाली जगह दिख रही ना, बिल्कुल अनपैकिंग होते हुए ये टेंट वेंट उतर गया, सब कुछ हट गया भाई यहाँ से। कल रात को हम यहीं सोए थे भाई, कल रात में मस्त सोए थे भाई, छोटा सा टेंट था और दोनों मतलब पूरा पास पास हुए सोए थे ना, तो गर्मी भी काफ़ी हो चुकी थी मतलब मैं कहना चाहता हूँ टेंट छोटा होता है ना, तब जब ज्यादा लोग उसमें होते हैं तो फिर गर्मी अपना ऑटोमेटिकली हो जाती है, ठंडी लगी और कंबल वंबल भी एक्स्ट्रा मिल गए थे, काफी मस्त से सो गए। पर आज अपने साथ दुखद घटना ये हो चुकी है कि टेंट ही नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ से लगभग सारी टेंट वाले जा चुके हैं। इवन जो भैया हमारे मिलने वाले थे ना, जिनके टेंट में हम कल सोए थे, वो भी चले गए हैं। अब हमारे पास कोई उपाय नहीं बचा है, एक तो अपन को ढूंढनी भी है एक जगह जहाँ पे अपन को सोने की जगह मिले। प्रॉब्लम क्या, अगर अभी मॉर्निंग में जगह ढूंढी हमने तो बहुत महंगी मिलेगी, क्योंकि मॉर्निंग में सारे रेट बढ़ जाते हैं, और शाम को क्या होता है जब यात्री सारे आ जाते हैं और जो खाली पड़े होते हैं ना, तो उनका रेट बहुत कम हो जाता है, तो हम रात में ले लेंगे आराम से। बाकी हम दोनों तो लड़के ही हैं, सामान अपने ऊपर रखा हुआ, ज़्यादा भारी तो मेरा है नहीं, बाकी आपको घुमा भी देंगे आराम से, और फिर रात में जो जगह मिलेगी वहाँ सो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है भाई। अभी जीतू बाजी के दर्शन नहीं हुए, कल मेरे तो बहुत बड़े तरीके से दर्शन हो चुके थे, पर हाँ मैं आज भी दर्शन कर लूँगा, जीतू बाजी भी दर्शन करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी चलते हैं, यहाँ जरा पास में एक ललित आश्रम है वहाँ जा रहे हैं। अभी हम मॉर्निंग में जल्दी जल्दी में दर्शन नहीं करने जा रहे हैं, पता है कि वैसे तो मॉर्निंग में दर्शन होते हैं, पर मॉर्निंग में अगर आप जल्दी जल्दी दर्शन करने जाओ ना, तो मॉर्निंग में क्या होता है जब दर्शन करने के लिए अंदर जाते हो तब वहाँ पे ना मतलब बहुत ज़्यादा लंबी लाइन होती है, और यही अगर आप थोड़ी देर बाद शाम को के टाइम पे जाओगे तो बिल्कुल लाइन ही नहीं होती, बिल्कुल खाली होती है, आराम से दर्शन करने जा सकते हो। तो हमने तो यहीं रुकना है, तो आराम से जाएंगे दर्शन करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अभी चलते हैं, पास में है ललित बाबा जी का आश्रम, वहाँ जा रहे हैं। वहाँ पे क्या है मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा चल के। वो इकलौता ऐसा आश्रम है जहाँ पे अगर कोई भी यहाँ पर आ जाए जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, रहने के लिए पैसे नहीं है, जगह नहीं मिल रही, कोई भी परेशानी हो तो वहाँ जा सकता है। तो वैसे तो हमारे को जगह मिल जाएगी, मैं बारह पक्का प्लान है भाई, पर पहले इधर उधर सारी जगह हम ढूंढते ढूंढते जाएंगे। चलो भाई चलते हैं। सो ये मेन रास्ता है भाई जहाँ से हम एंटर करते हैं, मतलब नीचे से यात्रा करने के बाद, और वो जो रास्ता दिख रहा है वो दूसरा रास्ता हुआ करता पहले, जहाँ से 2013 से पहले आया करते थे उस रास्ते से, तो हमें उसी साइड जाना है, वहीं है ललित बाबा जी का आश्रम, तो चलते हैं उस तरफ। और ये पूरा घूम के जाना पड़ेगा पूरा उधर से, और चलते हैं उस तरफ पहले, और सारी चीज़ें मैं आपको रास्ते में चलते चलते बताता रहूँगा भाई। सुबह हल्का फुल्का खाना भी खा लिया था भाई, और खाना वाना मिल जाता है यहाँ पे, 200 रुपीज़ की प्लेट पड़ती है, ज़्यादा महंगी नहीं है खाना, डायरेक्टली खाना भाई, और सादा खाना मिलेगा, ये मत एक्सपेक्ट करना कि मोमोज मिल जाए या ऐसा मिल जाए, तो मिल सकते हैं, पर नहीं भी नहीं मिले तो फिर जो मिले उससे एडजस्ट कर लेना, तो यहाँ पे खाना मिलना ही बहुत मुश्किल है, ये सामान नीचे से लेके आना पड़ता है ना, तो मेहनत का काम काफ़ी ज़्यादा होता है, इस वजह से चलते हैं आगे। सो ये मेन एंट्रेंस है भाई, यहाँ से मंदिर के साइड एंटर कर जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टेज भी हैं लेकिन काफ़ी सारे बंद हो चुके हैं, होम स्टेज टाइप के रूम्स वगैरह सब बंद हो चुके हैं, सिर्फ थोड़े बहुत लोग ही रह गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जा चुके हैं यहाँ से अपना सामान लेकर, क्योंकि बारिश वारिश और इसके बाद मौसम बिगड़ने का पता नहीं है, हैवी स्नोफॉल होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी सामान निकालने में, जैसे कि आज स्नोफॉल होने का खतरा भी बना ही हुआ है वैसे भी। तो ये केदारनाथ धाम के अंदर सारी सरकारी बिल्डिंग्स हैं जो अभी बन रही हैं, आगे यात्री जो आएंगे उनके लिए स्टे रहने के लिए भाई, काफ़ी बढ़िया सी बन रही है, देख रहे हो ना सारा वुड लगी हुई है, तो ठंड ज़्यादा भी पड़ेगी तो इसमें ठंड नहीं लगेगी भाई, ऊपर से इस तरीके से बनी हुई कि बर्फ़ टिके भी नहीं भाई बिल्कुल भी, तो काफ़ी बढ़िया बनाई है भाई, इवन मजबूत बनाई है, अगर ज़्यादा स्नोफॉल भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। चलते हैं आगे की तरफ भाई। एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे ना हमेशा साइडों में स्नो गिरी मिलेगी, कहीं जगहों पे डेड स्नो होगी और उसके वजह से गिर के चोट लग सकती है, मैं हमेशा ध्यान से चलता हूँ और आप भी ध्यान से चलना, कभी भी केदारनाथ धाम आ रहे हो तो चलते हैं भाई आगे। भाई कैंप तो है यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, पहले से ही लोग स्टे कर रहे हैं इसके अंदर 2-4 दिन से ही, अब देखते हैं आगे कहीं और कैंप मिलते हैं, यहाँ पे भी कैंप है, लोगों से बात करते हैं भाई, कैंप तो बहुत सारे हैं पर मिले तो सही, अगर ऐसा कुछ होना होता तो हमें पता होता तो हम अपने ही कैंप उठा लाते हैं कि नहीं जीतू बाजी, हमें तो लगा था यहाँ पे कैंप मिल जाएंगे, हमें हर बार मिल भी जाते थे, हर बार मैंने कैंप लिए मुझे इजीली मिल जाते थे, पर इस बार हुआ है।
चलो भाई आगे पता करते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ जरूर भगवान ने सहूलियत के लिए हमारे लिए रखी हुई होगी, तो पता करते हैं उसी के बारे में। सो भाई मैंने कहा था ना, भगवान जी ने पक्का हमारे लिए कोई ना कोई जगह सोची होगी भाई। टेंट तो सारे भर चुके हैं, टेंट में कोई जगह नहीं है, सारे टेंट बिक चुके थे भाई। रूम एक बचा था, रूम मिल गया, थोड़ा सा कॉस्टली मिला है पर मिल गया भाई। पता है क्या, इस टाइम पे रूम भी अवेलेबल नहीं है, टेंट भी अवेलेबल नहीं है, पर अपन को मिल गया, ये बेस्ट है भाई। हम आराम से सो जाएंगे, चार्जिंग वार्जिंग हो जाएगी, हमें ज़्यादा नहीं दो दिन और रुकना है। जिस दिन क्लोजिंग हो जाएगी उसके बाद तो अपन नीचे निकल जाएंगे, तो तब तक ही रुकना है। और क्लोजिंग वाले दिन भी हम अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे 4 बजे तक, तो सिर्फ मतलब आज ही और कल शाम तक सोने के लिए चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी और काफ़ी ज़्यादा बात करनी पड़ी, तब उन्होंने दे दिया। उनके पास पड़ा हुआ था अंदर कमरा एक खाली, वहाँ मिल गया अपन को, छोटा कमरा है, हम दोनों जने आराम से हो जाएंगे। यहाँ पे कमरा मिलना ही बहुत मुश्किल है क्योंकि सारे कमरे ऑलरेडी सब बुकड हैं। जितने यात्री आ रहे हैं उन लोगों के लिए रुकने लिए जगह कम बची है, ज़्यादातर कैंपिंग एरियाज बंद हो चुके हैं, तो सब लोगों को होटलों के अंदर रुकना पड़ रहा है भाई। और जो कैंपिंग एरियाज बचे भी हैं वो सारे बुकड हैं भाई, क्योंकि कैंप सबसे सस्ता होता है और वो सबसे पहले बुक हो जाता है भाई। चलो चलते हैं भाई, पास में ही मंदिर है, सबसे पहले चलते हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए और फिर चलेंगे ललित आश्रम भाई। सो वहाँ पर अपना है भाई होटल, वो व्हाइट वाला दिख रहा होगा, और ये रहा भाई केदारनाथ धाम के सामने ही दर्शन भाई। तो रूम बहुत सही जगह मिला भाई हमते को, और भाई बेस्ट चीज़ पता क्या, जैसे ही ओपनिंग वाला टाइम होगा ना तो बिल्कुल उठेंगे और सीधा यहाँ आ जाएंगे गर्म पानी से नहा के बढ़िया से भाई। चलो भाई चलते हैं, देखते हैं दर्शन की, अगर लंबी लाइन नहीं होगी तो दर्शन भी कर लेंगे अभी, नहीं तो फिर थोड़ी देर बाद भी आगे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लो भाई सुबह सुबह महादेव जी के दर्शन कर लो भाई, और बेस्ट चीज़ ये भी देख लो, यहाँ देखो 5G है जियो का, सबसे बढ़िया भाई। अब लोडिंग भी टाइम से हो जाती है आराम से, और ये देखो भाई मंदिर के दर्शन, और ये लो भाई मंदिर के दर्शन। और दिवाली की वजह से पूरा सजा हुआ है मंदिर, फूलों से सजाया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है भाई। चलो आगे से दर्शन कराता हूँ आपको। तू भोला पर्वत का मैं रानी मेला की, तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की। तू भोला पर्वत का मैं रानी मेला की, तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की। तेरा साथ ही चाहिए भोले मन की। तो जीतू बाजी तो अंदर दर्शन करके आ चुके हैं, बढ़िया से आपको मैंने सारे दर्शन करा दिए, मतलब बाहर बाहर से, अंदर से तो नहीं, केदारनाथ धाम के। अब मैं जा रहा हूँ अंदर दर्शन करने के लिए भाई, काफी बढ़िया लगा। जीतू बाजी कैसे दर्शन हुए? बहुत बढ़िया, हम इकट्ठे जाना था। हाँ। अंदर बहुत जल्दी जल्दी बंद नहीं, हो रहा है। तो वैसे भी नहीं जा सकते, एक जना बाहर रहेगा जूते वूते के आस पास, दूसरा जाना जाता है। सोच रहा इकट्ठे जाते हैं, और फोन भी आप अपना नथ लेके जाना, फोन बाहर ही रख देना। अंदर फाइव है, जल्दी जल्दबाजी कर रहे हैं पूरी। चलो कोई नहीं, मैं फटाफट जाता हूँ दर्शन करके आता हूँ। और वो देखो सामने बिल्कुल गेट खुला हुआ है, आराम से जा सकते हैं दर्शन करने के लिए भाई। चलो फटाफट चलते हैं। तो भाई काफी बढ़िया तरीके दर्शन हो गया भाई, मेरी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है, मैं सच्ची बता रहा हूँ भाई। मतलब मैंने कल भी आराम से दर्शन हो गए थे, आज भी हो गए, और आज ऐसे दर्शन हुए जैसे ही मैं वापस निकला हूँ ना, पार्ट बन रहा है। मैंने मैं बोल रहा था जल्दबाजी, तभी मैंने की। चलो कोई नहीं, दर्शन होने लिखे थे तो हो गया, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं भाई, चलते आगे। अपने बढ़िया तरीके से दर्शन हो चुके हैं भाई केदारनाथ धाम के, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। अब चलते हैं सीधा ललित आश्रम की तरफ भाई। ललित आश्रम यहाँ से समय अराउंड 1.5 किलोमीटर है, अपना स्टे बिल्कुल पास है, वापस आएंगे तब आराम से यहाँ पे आरती भी सुन सकते हैं शाम की। चलते हैं अब सीधा भाई, जीतू बाजी को ढूंढते और निकलते हैं। सो जीतू बाजी आ गए अपने पास, और अपन वापस निकल चुके हैं भाई बाहर मंदिर से। मैं आपको बताऊँ, मतलब जब हम कल आए थे यहाँ पर तो आपने देखा था रास्ते के बीच में ना कहीं स्नोफॉल नहीं थी, इवन बर्फ भी इतनी कम दिख रही थी। पर आज अभी नोटिस करोगे तो रात में काफ़ी स्नोफॉल हुई है, उसकी वजह से पूरी बर्फ की चादर नजर आ रही है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सो ये देखो सारी बर्फ़ की चादरें नज़र आ रही है ऊपर, काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हुई है रात में भाई, और मुझे लगता है आज रात या कल तक और अच्छी खासी स्नोफॉल होने वाली है भाई, पैक्ड हो जाएगा पूरा। खैर मज़ा तो स्नोफॉल का भी है, मतलब क्लोजिंग के टाइम पे अगर स्नोफॉल हुई होगी ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा उस टाइम पीरियड पे। चलो भाई वो तो पता चलेगा बाद में, अभी चलते हैं सबसे पहले चाय पीने के लिए। जीतू बाजी को प्यास लग गई चाय की, और थोड़ी गर्मी भी मिल जाती है, जीतू बाजी का ऐसा कहना है, मिलती है। चलो भाई चलते हैं चाय पीने के लिए। सो सामने है केदारनाथ धाम, और ये पूरा कॉरिडोर है, मतलब अंदर जाने का रास्ता नया बन रहा है, पूरा इस साइड से बन रहा है, काफ़ी खूबसूरत सा। और यहाँ से एक चीज़ नोटिस करना भाई, यह सामने ओम बना हुआ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है कि नहीं दोस्तों? यहाँ से पहाड़ों का व्यू और ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। अगर हम इसे उल्टा कर देंगे तो उल्टे साइड में हमें बर्फीले पहाड़ और ज़्यादा नजर आएंगे, क्योंकि सामने तो पहाड़ खत्म हो रहे हैं ना, इस साइड में पहाड़ स्टार्ट हो रहे हैं सारे, ग्लेशियर उस साइड में है। ये देखो फ्रंट का व्यू, लेकिन इस वक्त पहाड़ पूरे ढक चुके हैं बादलों से, बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं सारे ग्लेशियर यहाँ से, और इस वक्त तो हम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, काफ़ी दूर से दिख जाता है क्योंकि हम वहाँ से यात्रा करते हुए आ रहे होते ना, वहीं से दिख जाता है। वो देखो हेलीपैड उतर रहा है ना बिल्कुल उसी लोकेशन से, वो देखो हेलीपैड उतर रहा है, बस वहीं से नज़र आने लग जाता है।
काफी दूर से ओम, काफी दूरी से ओम भाई, चलते हैं अब आगे। तो हम चल पड़े ललित आश्रम की तरफ। ये रास्ता आपको दिख रहा है टूटा फूटा, ये अभी बन जाएगा क्योंकि आने वाले टाइम में ना यहाँ से पूरा रास्ता बनेगा और ये बैक साइड के लिए रास्ता हो जाएगा पूरा। जैसे वहाँ पुल बना हुआ ना, तो इधर से निकल जाएंगे आराम से। चलते हैं आगे तरफ, आपको दिखाता हूँ। इवन वहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है ललित बाबा जी का और आश्रम का। चलते हैं आगे। सो ये पहले वाला ब्रिज है जिसको पूरा क्रॉस करके हम आ चुके हैं पुरानी वाली सड़क पे भाई। और मैं आपको बता दूँ, पीछे के साइड में आपको नजर आ रहे होंगे थोड़े बहुत होटल से बन रहे हैं। ये सारे गढ़वाल भवन वाले बना रहे हैं होटल, मतलब गवर्नमेंट के होटल होंगे सारे, तो ये काफी चीप रहेंगे आगे चल के, तो काफी सहूलियत होने वाली है धीमे धीमे पूरे केदारनाथ धाम में भाई। काफी ज्यादा डेवलपमेंट इस वक्त चल रही है पूरे केदारनाथ धाम में। और थोड़ा सा और आगे है ललित आश्रम यहाँ से, मतलब एग्जैक्टली 1.5 किलोमीटर पड़ता है मंदिर से, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। अगर आप इस साइड में जाओगे तो फिर उस साइड से आगे से आपको लौट के आना पड़ेगा, अगर वापस नीचे उतरने जाना होगा तो। पर ललित आश्रम जाना जरूरी है अगर आप यहाँ पर आते हो, क्योंकि ये इकलौते बाबा जी यहाँ पे जो पूरे साल रहते हैं, मतलब जब ये बंद भी हो जाता है ना केदारनाथ धाम, तब भी ललित बाबा जी यहाँ पे ही रहते हैं, और इवन उनके साथ उनके बहुत सारे भक्त भी रहते हैं यहीं पे। तो चलते हैं उनसे मिलने के लिए, कैसे सर्वाइव करते हैं सारी चीज़ें देखेंगे, और कैसे वहाँ पे बाकी सब लोग रह रहे हैं आश्रम के अंदर, वो सब भी दिखाएंगे आपको। चलो सो फाइनली पहुँच चुके हैं ललित बाबा जी के आश्रम पे भाई, और वो सामने आप झंडा देख रहे हो देश का, काफ़ी बढ़िया लग रहा है भाई और काफ़ी बड़ा भी है। खैर चलते हैं आगे की तरफ भाई। यहाँ पे बहुत कम श्रद्धालु आते हैं, इवन ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं है यहाँ पे ललित बाबा जी का आश्रम है, ज़्यादातर लोग उधर से ही चले जाते हैं और उनको ये नॉलेज नहीं है कि यहाँ पे रहना खाना पीना सब फ्री है। बाकी चलते हैं अंदर, चल के बातें करते हैं भाई। सो ये मेन एंट्रेंस है भाई, काफ़ी ब्यूटीफुल सी बनी हुई है आश्रम की। चलते हैं अंदर की तरफ, इस वक्त भंडारा चल ही रहा है अंदर, और जितना वीडियो बनाना अलाउड होगा वहाँ वहाँ वीडियो बनाएंगे और आपको आश्रम के बारे में सब कुछ बताएंगे। चलते हैं अंदर की तरफ। तो आश्रम में इस वक्त लंगर चल रहा है भाई, जीतू भाई जी तो लंगर करने बैठ भी गए हैं और मुझे भूख नहीं लग रही थी। अपन चल रहे हैं सीधा बाबा जी से बात करने के लिए, जो ललित बाबा जी है। और यहाँ पे ना लंगर मतलब दिन में 2 टाइम चलता है, दोपहर के 1 बजे के आसपास और शाम के 9 बजे के आसपास। बाकी चलते हैं सीधा ललित बाबा जी के पास और उनसे जानकारी लेते हैं इस आश्रम के बारे में, और आपको उनके मुंह से सुनवाते हैं सारी बातें। सो ललित बाबा जी से मेरी जस्ट अभी बात हुई और उन्होंने मुझे बोला आप वीडियो बना लीजिए, पूरे आश्रम के अंदर भी बना सकते हैं, वैसे कैमरा अलाउड नहीं है अंदर, तो उन्होंने मुझे परमिशन दे दी है आप अंदर भी वीडियो बना लीजिए, आरती भी होगी उसकी भी वीडियो बना सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया सी आरती देखी होगी आपने आश्रम में भाई, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। मैं लगभग आया था 3 बजे और इस वक्त बज रहे रात के 9, पूरा यहाँ बैठा रहा, मतलब मुझे बहुत शांति मिल रही थी, मन ही नहीं किया यहाँ से उठने का। और आरती हो चुकी है और अब इसके बाद लंगर स्टार्ट होने वाला है। काफ़ी मतलब जब मैं आया था तभी मेरे ख्याल से 5, 6 या 10 लोग होंगे और इस टाइम पर पूरा हॉल भर चुका है, बहुत सारी संगत आई हुई है, मतलब बहुत सारी संगत आई हुई है, बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं। पर तब भी मैं अगर बोलूँ ना, केदारनाथ धाम की तरफ दर्शन करने ज़्यादातर लोग चले जाते हैं, यहाँ के बारे में नहीं पता होता है तो लोग यहाँ नहीं आ पाते हैं, पर यहाँ पर आकर आपको काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल वाइब्स मिलेंगी क्योंकि सारे साधु यहाँ आते हैं, फिर यहाँ पर आकर साधना सीखते हैं और फिर अपना पूजा पाठ करते रहते हैं भाई। तो चलते हैं आपको लंगर दिखाते हैं।
सो फाइनली अपने को टाइम मिला ललित बाबा जी से बात करने का। वैसे तो पूरे केदारनाथ धाम में बहुत सारे लोग परेशान होते हैं स्टे के लिए और खाने के लिए, पर यहाँ आश्रम में बहुत सारे लोगों को फ्री स्टे और फ्री खाना मिलता है भाई। बाबा जी से बात करते हैं, बाबा जी कुछ बताएंगे आश्रम के बारे में। पर तब भी बहुत लोगों को आप सहायता कर रहे हैं यहाँ पर जो परेशान रहते हैं उनके लिए। सहायता तो देखो भगवान सबकी करते हैं। हाँ जी हाँ जी, पर आप उनके राही बन रहे हैं। भगवान किसी को माध्यम बना दे तो अच्छी बात है। हाँ जी, हर व्यक्ति जब जन्म लेता तो अपने आहार और विहार की व्यवस्था को लेके ही जन्म लेता है। हाँ जी, माता के शिशु के जन्म लेने से पहले। हाँ जी हाँ जी, वक्षस्थल का दूध पहले ही आ जाता है, यानी कि उसके आहार की व्यवस्था परमात्मा पहले कर देते हैं। तो महात्मा जब साधना भजन करते हैं तो उसके स्पंदन से लोगों की व्यथा और समस्याओं का समाधान हो जाता है। हम बहुत कुछ वीडियो के माध्यम से बोले, इसकी आवश्यकता नहीं है। कई बार हमें कई लोगों ने सुझाव दिया है, निवेदन किया है, और कुछ पुराने संतों ने आदेशित भी किया है कि वीडियो के द्वारा कुछ बोलने का प्रयास करें। हमें ऐसा लगता है कि साधना भजन के द्वारा जो लोगों की समस्या का समाधान हो सकता है, उससे बेहतर विकल्प दूसरा नहीं है। और वीडियो के माध्यम से ज़्यादा नहीं बोलने की। हाँ जी हाँ जी, फिलहाल में कुछ इच्छा ऐसी नहीं है। हाँ जी, इसलिए दीपावली की शुभकामनाएं, वर्ष 2023 की यात्रा की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बाबा केदार की कृपा से सर्वे जय। एक बात और बता दूं आपको, साधु जी वैसे कैमरा के सामने नहीं आते हैं। मैंने उनसे बहुत देर तक रिक्वेस्ट करी थी, उसके बाद वो माने। इवन वो परमिशन भी नहीं देते हैं अंदर रिकॉर्डिंग करने के लिए। फिर मैंने उनसे परमिशन ली, रिकॉर्डिंग भी आराम से करवा ली भाई, कोई दिक्कत नहीं आई। बाकी बाबा जी बहुत मस्त थे, मतलब मजाक कर रहे थे अच्छा खासा, और इवन बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई भी। प्लस मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ पता क्या लगी, इस जैसी जगह पर, मतलब इन जगहों पर नॉर्मली इंसान को खाना बनाना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, सामान नीचे से मंगाना, और यहाँ पे आपको हर समय खाना फ्री मिलेगा पूरे के पूरे 7 महीने यात्रा जब चल रही होगी। इवन यात्रा के बाद भी अगर आप आ गए, जैसे यात्रा के बाद कई लोग श्रद्धालु आते हैं ऊपर केदारनाथ धाम, तो उन लोगों के लिए भी यहाँ खाना मिलता रहेगा। मतलब 12 महीने पूरा खाना रहता है यहाँ पर। बाप रे, वैसे भी खुला रहता है ना। हाँ, पूरा 12 महीने खुला रहता है ये। हेलीकॉप्टर से बाद में जब हैवी स्नोफॉल होने के बाद अगर खाना वाना कुछ मंगाना पड़ता है तो हेलीकॉप्टर के थ्रू मंगाते हैं, नहीं तो वैसे स्टोर करके रखते हैं पहले से ही, क्योंकि -20+ चला जाता है टेम्परेचर, और साधु महात्मा ही लोग रह सकते हैं ऐसे टेम्परेचर में। नॉर्मल लोग तो रह ही नहीं सकते। हम तो एक्सट्रीम एडवेंचर के चक्कर में जाते हैं ऐसे टेम्परेचर में, तब भी हमारी हालत ख़राब हो जाती है। ये तो पूरे पूरे 7 महीने 6 महीने तो पक्की ठंड रहती रहती है यहाँ पे, तो उस टाइम यहाँ रहते रहते भाई। हाँ, वैसे भी टेम्परेचर ठंड रहती है, लेकिन -20 बहुत ज़्यादा हो जाता है। इन्होंने गर्मी तो देखी नहीं होगी। गर्मी भी देखते हैं, पर यहाँ की गर्मी अजीब सी होती है। अगर बाहर डायरेक्ट लिखना तो सन की रेज अगर स्किन पे पड़ेगी तो स्किन बर्न हो जाएगी पूरी। होती है गर्मी। हाँ, गर्मी भी होती है, वो स्किन पूरी जलाने वाली होती है। खतरनाक होती है। काफी अच्छा लगा भाई, इवन हमने पूरी आरती भी अटेंड करी। जीतू पाजी तो इतना खुश हो गए भाई, मजा आ गया। सुन सुना लेके पूरे टाइम बजाते रहे, मगन हो गया यार। मैं सोच रहा हूँ मेरे साथ जो बंदा आया था गायब का हो गया, ये पता नहीं कि अपने ही मस्ती में लगे हुए हैं, मुझसे मुझे मिल ही नहीं रहा, कहीं अपना साइड में बैठे हुए चुनचुना बजा जा रहे बजा जा रहे बजा जा रहे। मैं चलो ठीक है, अपने आप खुश है ना तो बढ़िया है। अपने आप ही, मतलब जब आप यहाँ पर आओगे ना आपका मन करेगा बस यहीं बैठो, अब जाओ नहीं। खुद आप सोचो ना, हम 3 बजे आए थे और रात के 9 बजे जा रहे हैं, 6 घंटे से हम यहीं थे, आधा दिन तो यहीं रह गया हमारा। चलो अब चलते हैं, वापस निकल पड़े हैं भाई। और मैं आपको बता दूं भाई, मैं जैकेट पतली वाली पहन गया हूँ, एक और माइनस वाली जैकेट थी वो मैंने छोड़ दी भाई। भाई मैं उसे ले आता तो कम से कम ठंड से तो भी बचता, पर दिन के टाइम पे धूप पड़ रही थी तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही थी, पसीने आते से पहनता तो। और अब ऐसी ठंड पड़ रही है कि फ्रीजिंग वाली खतरनाक, मतलब मेरे को शूज़ भी अपने नहीं पहने जा रहे थे, उसे पहनने में ठंड लग रही थी मुझे, इतनी ठंड है भाई, खतरनाक हाल है। चलो फटाफट चलते हैं। तो रात को हाल काफ़ी बिगड़ चुका है भाई, चक्कर के यहाँ पानी आ जाता है बहुत ज़्यादा, और पानी वैसे निकलना मुश्किल हो जाता है। अगर शूज़ वाटरप्रूफ ना हो तो दिक्कत बहुत आती है भाई। बाकी पता है क्या है, रात में ही पटाखे फट रहे भाई केदारनाथ धाम में, देख रहे हो ना भाई, सारी जगह दीवारी खत्म हो चुकी है, केदारनाथ धाम में अभी ख़त्म नहीं हुई भाई। अभी बहुत लोग पटाखे लेके आए हैं, जितने श्रद्धालु आज चढ़ रहे ऊपर उन्होंने दीवारी यहाँ आके बनाई है। मतलब अभी तो 9 बज गए, हम जब ललित आश्रम में थे ना वहाँ पर बहुत पटाखे सुनाई दे रहे थे, तो समझ में आ रहा है पटाखे बहुत फूट रहे हैं। चलो भाई लास्ट दर्शन कर लेते हैं आज के केदारनाथ धाम के, फिर चलते हैं अपने रूम में। ओ गिल्ली यार, ओ किधर गई, ओ किधर, ओ
लो भाई मंदिर प्रांगण में पहुंच चुके हैं भाई, और आज ही पटाखे फूट रहे हैं बहुत। हालांकि हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं, नहीं तो यहाँ बहुत लोग होंगे, जब 8 या 7 बज रहे होंगे भाई। अभी टाइम हो रहा है रात के 9, लगभग सभी सोने चले जाते हैं, पर पटाखे बंद नहीं हो रहे भाई, बहुत सारे यात्री पटाखे लेके आए थे। जय जनरली जा रहा हूँ। सबसे ज्यादा मजा आया केदारनाथ धाम में। कल वैसे क्लोजिंग है, लास्ट डे है केदारनाथ धाम का। कल 14 तारीख है, 14 तारीख को बता रहे हैं शाम के टाइम पे क्लोज हो जाएगा। और मंदिर से बाहर आ जाएगी पालकी साहब भाई, और उसके बाद यहाँ से उकीमठ जाती है भाई। तो कल काफी ज्यादा मस्त व्लॉग आने वाला है, तो कल वाला व्लॉग मिस मत करना, जरूर ध्यान से देखना भाई। थोड़ी बहुत देर और यहाँ रुकते हैं, फिर चलेंगे अपने आराम से रूम में भाई। सो मस्त सी आग जल रही है भाई, हाथ पैर पूरे ढंग से सेक लिए है। रूम में जाने से पहले ढंग के तरीके से गर्म कर लेता हूँ, फिर जाके सीधा चद्दर के अंदर घुस जाएंगे। वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ। सो मस्त हाथ पैर सेक के फिर जाते हैं भाई सोने के लिए रूम के अंदर, अच्छी तरीके से अपने आपको गर्म कर लेते हैं भाई। और हाँ, वीडियो यहाँ तक देखा है तो लाइक करके जरूर जाना, कुछ कमेंट करके जाना, और हाँ कुछ बता सकते तो वो भी बताना जो केदारनाथ धाम के आसपास हो, जो हम शूट कर सके आगे आने व्लॉग के अंदर। और अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं कल, बाय बाय।